टू एवरी वन, जी बाय सबको मेरे तरफ से। आज 4th जुलाई है और मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं सबसे पहले आप सबको हम बाय बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया में मुझे मैसेज किया है, फेसबुक पे मुझे मैसेज किया है, खुद फ़ोन करके मुझे विश किया है आज मेरे जन्मदिन में। मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर विशिंग मी ऑन माई बर्थडे। थैंक यू। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब आपका मैसेज आता है, जब मेरा जन्मदिन हो या जब मैं बीमार था या मेरे ख़राब समय में या मेरे जन्मदिन में, मुझे एक चीज़ हमेशा लगता है कि मेरे संग इतने लोग हैं जो विदाउट एनी एजेंडा, अपना बिना स्वार्थ का मुझे याद करते हैं और मेरा शुभकामना, मेरा भला चाहते हैं। मैं आज आपसे ऑन माय बर्थडे आई वुड लाइक टू से टू और थ्री थिंग्स। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, यू आर ऑल बिजी पीपल और मैं जानता हूँ कि आपका समय भी कीमती है। मैं दो या तीन चीज़ आपको अपडेट करना चाहता था। सबसे पहले कि आज से 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले हमारा मीटिंग इंडिया के होम मिनिस्टर के साथ हुआ, अमित शाह के साथ, और हमने अपना डिमांड फॉर ग्रेटर पिपरलैंड क्लियरली रखा है। मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ जो IPFT ने किया था 2018 में, कि बिना अपना डिमांड को सामने रखकर मंत्रिमंडल में बैठ जाए। अगर हम आज अपना डिमांड को सामने नहीं रखते और मंत्रिमंडल में बैठ जाते हैं, तो कल क्या गारंटी है कि हमारा डिमांड पूरा होगा? इसके लिए मैंने क्लियरली इंडिया के होम मिनिस्टर रिस्पेक्टेड अमित शाह जी को कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके संग रहें, तो पहले आप हमारा डिमांड को क्लियर कीजिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर ग्रेटर पीपरलैंड हमको चाहिए, और उसको छोड़कर हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। मैंने अपने लोगों को प्रॉमिस किया था और ये मेरा प्रॉमिस है और ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपने लोगों को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, और अपने 2, 3 या 5 या 10 लीटर के स्वार्थ के लिए मैं अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूँ। अगर ये होगा तो ये हमारे लोगों के संग विश्वासघात होगा। सो ये मैं पहले से बहुत क्लियर, मैंने ये बात अमित शाह जी को कहा है और उन्होंने कहा है, 2-3 चीज़ कहा है, सिर्फ मुझे नहीं कहा है, हमारे संग और 9 लीडर्स लोग थे, विजय रांखल जी थे, जगदीश दे वर्मा थे, LOP अनिमेश दे वर्मा थे, CM पूर्ण चंद्र जमतिया थे, MLAs विश्वकेतु विश्वजीत थे, भवर रंजन रियांग था, रुनिल दे वर्मा था, रंजीत दे वर्मा MLA था। तो उनको भी ये बात जो होम मिनिस्टर ने कहा है वो पॉजिटिव है, लेकिन हम पहले एक्शन को ज़मीन में देखना चाहते हैं। इसको छोड़कर मुझे एक बात और लगता है कि जब तक हमारा डिमांड हमें नहीं मिलता है, हमें अपना एजिटेशन आंदोलन शुरू करना चाहिए। 8 तारीख को माधवबाड़ी में एक ऐसा ही मूवमेंट होगा, मैं खुद उस रैली में रहूँगा और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, 8 तारीख 2 बजे माधवबाड़ी में आप लोग आइए, और हमारा ये जो मूवमेंट है फॉर ग्रेटर पीपरलैंड, इसको हम लोगों प्रेशर रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। हम वायलेंस नहीं चाहते हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारा डिमांड है उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और उसके लिए प्रेशर रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि सिर्फ 8 तारीख को नहीं, 15-16 तारीख को हमारा प्लेनरी सेशन है, अधिवेशन है, उसमें भी हम लोग पार्टी को पूरा रिस्ट्रक्चर करेंगे और पार्टी में उन लोगों को रखेंगे जो पार्टी के बारे कम और दोहा के बारे ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, बहुत लोग ने मुझे पिछले 2-3 महीने में कहा है कि पार्टी को स्ट्रांग करना है, मुझे लगता है पीपरालैंड मूवमेंट को स्ट्रांग करना है। अगर पीपरालैंड मूवमेंट और हमारा कमिटमेंट हमारे कम्युनिटी के साथ रहेगा, तभी पार्टी स्ट्रांग रहेगा। सिर्फ पार्टी में 5-10 लीडर को कुछ पोस्ट देकर पार्टी स्ट्रांग नहीं रहेगा। पार्टी तभी स्ट्रांग रहता है जब पार्टी जाति के साथ रहता है। जिस दिन पार्टी जाति को छोड़कर अपने बारे सोचता है, अपने स्वार्थ के बारे सोचता है,
उस दिन उस पार्टी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। मैं आज आप सबको मेरे जन्मदिन में एक बात बोलना चाहता हूँ। टिपरा मोथा मेरे लिए इतना प्रिय नहीं है जितना मेरा कम्युनिटी है। टिपरा मोथा मेरे लिए इतना प्यारा नहीं है जितना मेरे लोगों का विश्वास है। और मैं आप सबको ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, रीजनल लेवल में, सब जोनल लेवल में बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने एरिया में ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट करने के लिए अपने तरीके से शांति से अपना मूवमेंट वापस शुरू कीजिए। ये प्रेशर हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रखना पड़ेगा जब तक हमारा डिमांड हमें नहीं मिलता है। इसके बाद मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा था कि ये जो पिछले थोड़े दिन में न्यूज़ आ रहा है कि कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, मैं आप सबको अपील करना चाहता हूँ, MDCs हो, MLAs हो, EMs हो, आई लव ऑल ऑफ़ यू ऑल, आई रियली लव ऑल ऑफ़ यू ऑल। मैंने सुना है कि कुछ लीडर्स को कोई खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो सब करेंगे, हमें कमज़ोर करने के लिए सब कोशिश करेंगे, लेकिन ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है। ये समय नहीं है कि हम एक दूसरे को डांटे या एक दूसरे के ऊपर शक करें या उंगली पॉइंट करें। वी शुड नॉट बी पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनी वन, वी शुड बी वर्किंग कलेक्टिवली। परिवार में सबका डिबेट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन परिवार हमारा तिपरासा कम्युनिटी, और तिपरासा कम्युनिटी को हम कमज़ोर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लीडर्स लोग कमज़ोर हो गए। ये लोग आएंगे, पैसा ऑफर करेंगे, हमारा थानसा को तोड़ने का कोशिश करेंगे, लेकिन थानसा तभी टूटेगा जब आप अपना स्वार्थ अपने कम्युनिटी से ऊपर रखें। मैंने फिर से कहा, मैं अपने कम्युनिटी को धोखा नहीं दे सकता। और मेरे जन्मदिन में मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिक्स और नहीं करना चाहता, अपने लोगों को कुछ देना चाहता, और मैंने डिसाइड भी कर दिया है कि अपने लोगों को कुछ देकर ही मैं ज़िंदगी में और राजनीति से भी और पब्लिक लाइफ से भी हटना चाहता हूँ। लेकिन अपने लोगों को कुछ देना है, MP बनने से कुछ नहीं मिलेगा, EM बनने से कुछ नहीं मिलेगा, मंत्री बनने से कुछ नहीं मिलेगा, अगला नया पार्टी खोलने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तब मिलेगा जब हम लोग दिल्ली में एक आवाज़ में अपने लोगों के बारे में बात करें। मैंने बात किया है, मैंने बहुत बलिदान दिया है, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। मैं जानता हूँ कि हमारा तिपरासा सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जेलसी का है, ईगो का है, एक दूसरे से हम लोग जलते हैं, एक दूसरे को के सक्सेस से हम लोग जलते हैं, एक दूसरे को हम देख नहीं पाते हैं। आज इसी के लिए हमारा ये कंडीशन है। मैं आपको फिर से अपील करता हूँ, 2-3 महीना, 1-2-3 महीना अपना स्वार्थ को पीछे रखिए और एक होकर हमारा मूवमेंट को स्टॉप कीजिए। मूवमेंट दरकार है क्योंकि जब तक मूवमेंट रहेगा तभी तक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहेगा, और गवर्नमेंट को हमको प्रेशर में रखना है, असेंबली के अंदर भी रखना है। मैं अपने LOP को बोल रहा हूँ, मैं MLAs को बोल रहा हूँ, असेंबली के अंदर भी प्रेशर रखिए और ज़मीन में, ग्राउंड में हम लोगों को भी प्रेशर रखना है। झगड़ा नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, लेकिन तरीका होता है अपना डिमांड को शांति से लेकिन प्रेशर रख कर करें। 8 तारीख को माधवबारी में एक ऐसा ही रैली है, उसमें मैं बात करूंगा। उसके बाद 15 और 16 तारीख को हमारा अधिवेशन है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। पार्टी को सब जोनल लेवल से, प्राइमरी लेवल से, जोनल लेवल से हम लोग ऊपर उठाएंगे। और ये पार्टी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पार्टी जाति से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये पार्टी के लीडर्स लोग भी समझ ले कि जाति इज़ नंबर 1, पार्टी इज़ नंबर 2। तो ये आप सिद्धांत रखकर आगे बढ़िए। एंड वंस अगेन, आपने मेरे जन्मदिन में, ऑल ऑफ यू विल हैव विश्ड मी, थैंक यू सो मच। आपने देखा है कि मैं थक चुका हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं अभी भी खड़ा हूँ। बहुत थका हूँ, बहुत लोगों ने गलत चीज़ कहा है, आज मेरे ऊपर अटैक होता है, मैं आपका ढाल हूँ। जिस दिन मैं हट जाऊँगा,
वो जो ढाल है आपका, जो शील्ड है, जो प्रोटेक्शन है, वो नहीं रहेगा, आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक होगा। मैंने आज इतना जहर अपने खिलाफ, इतना जहर मेरे खिलाफ फैलाया गया है, इतना लोगों ने विश्वासघात किया है, तभी भी मैं सवेरे उठकर फाइट करता हूँ, आपके लिए फाइट करता हूँ, क्योंकि आपको प्यार करता हूँ और आप भी मुझे प्यार करते हैं। इसके लिए आज मेरे जन्मदिन में इतने लोग ने मुझे विश किया है। बेलाई बेलाई नो हम बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू। एंड ग्रेटर पीपल का मूवमेंट को हमें जारी रखना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यूथ आज इवनिंग में मेरे जन्मदिन और ड्रग्स के लिए, ड्रग्स के अगेंस्ट एक प्रोग्राम भी है, अरुणाचल से फेमस सिंगर आ रहा है, गाना गाएगा। आप इन्जॉय कीजिए, लेकिन एन्जॉयमेंट के बाद ये मत भूलिए कि ड्रग्स भी हमारे सोसाइटी के खिलाफ है, ड्रग्स के अगेंस्ट भी हमें फाइट करना है। और यूथ, यू आर द होप, हमारा समय तो गया, ये आप हमारा आशा है, यू आर द होप। ये होप को तोड़ने मत देना, बहुत लोग हमें बांटने की कोशिश करेंगे, मैं तभी भी कमिटेड हूँ, और जो गलती IPFT ने किया 2018 में, वो गलती मैं नहीं करने वाला हूँ। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ डिमांड ऑफ ग्रेटर टीपरा लैंड, हम लोग सरकार में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर बिना साइन करके, बिना अग्रीमेंट होकर हमने गवर्नमेंट में हम बैठ चुके, तो हमें भी खेला जाएगा, ये चांस हम लोग नहीं दे सकते। बेलाई बेलाई नो हम बाय खुलुंग का, वंस अगेन थैंक यू फॉर विशिंग मी ऑन माय बर्थडे, आई लव यू।